झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही जेएमएम के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी द्वारा यह फरमान जारी करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कहा कि दिशोम गुरु मेरे ससुर हैं, बाबा ने अलग राज्य के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, उनके कामों की सराहना मैं हमेशा करती रहूंगी, वो मेरे लिए पूजनीय हैं। कहा कि घर वापसी को लेकर मेरे बारे में कई गलत बातें फैलाई गई हैं, जनता को दिग्भ्रमित किया गया है। करीब 14 सालों बाद मैंने जेएमएम को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी में मेरी आस्था हमेशा बरकरार रहेगी। बता दें कि शुभ सोरेन की बड़ी पुत्रवधु सीता सोरेन ने हाल ही में जेएमएम छोड़कर और पार्टी के विधायक पद से त्याग पत्र देकर बीजेपी ज्वाइन किया था। बीजेपी ने सीता सोरेन पर भरोसा करते हुए दुमका लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा पार्टी सांसद सुनील सोरेन को पहले टिकट दिया था, लेकिन बाद में सुनील सोरेन को बदलकर सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया। 17 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने सीता सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी को जो हम ज्वाइन किए उससे पहले ही हमने सारे पदों से हम इस्तीफा दे चुके हैं, तो बाद में ये निकाल दिए कि हमको इसका कोई फिर मेरे ऊपर कोई मायने ही नहीं रह जाते क्योंकि हम पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। ये कहा जाए कि 17 को ये फरमान जारी हुआ कि निष्कासित कर दिया गया, बसंत जी ने भी हाल में कहा था कि 17 तक का वेट कीजिए, तो क्या इसी के इर्द गिर्द सारा चीज़ चल रहा था? देखिए, 17 तक का जो वेट करने के लिए बोले थे तो क्या बोले थे, 17 को घर वापसी करेगी, तो कहाँ है, तो पूरा झूठ बात निकला। क्या हुआ, घर वापसी वाला जो बात है कहाँ चल गया? तो ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें को बोला गया था। अब पब्लिक देख ही रहे हैं, हम तो 14 साल के बाद एक जो पार्टी को छोड़े हैं, तो एक पार्टी को जब हमने एक आस्था पार्टी के प्रति एक आस्था मेरे मन में जगा और ज्वाइन किए हैं, तो ये आस्था तो फिर बरकरार रहेगी आगे भी। चूँकि अच्छा काम किए हैं, पूरे झारखंड के अलग राज्य के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो उनके लिए तो हमारे लिए हमेशा पूजनीय ही है, हम तो उनका काम का हमेशा सराहनीय करते हैं।